बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार 50 साल के हो गए हैं। वैसे तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने काम से अलग ही पहचान बनाई है, साथ ही उनका रिश्ता बॉलीवुड की कई हसीनाओं के साथ भी रहा है। पर एक वक्त ऐसा भी था जब खुद को स्टड समझने वाले अक्षय को उनकी ही सासू माँ ने गे समझ लिया था। जी हाँ, हाल ही में ये खुलासा खुद अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में किया था। करण के शो पर अक्षय और ट्विंकल को इनवाइट किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया था। शो में ट्विंकल ने अपनी शादी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा ये किया, उनकी मम्मी अक्षय को गे समझती थी। उन्हें ये शक इसलिए हुआ क्योंकि उनके एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा था कि अक्षय गे हैं। इसके बाद उन्होंने अक्षय के बारे में पड़ताल करवाई। साथ ही डिंपल ने ये जानने के लिए कि शादी के बाद अक्षय बच्चा पैदा करने के काबिल है या नहीं, उनका जेनेटिक चेक भी करवाया। ट्विंकल ने ये भी बताया कि अक्षय ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उस वक्त उनकी फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी। शादी के प्रपोजल पर उन्होंने कहा था कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो वो शादी करेंगे। फिल्म फ्लॉप रही और अक्षय उनकी मां डिंपल से हाथ मांगने के लिए गए। जब मां को उन्होंने अक्षय के साथ शादी करने की बात बताई तो वो चौंक गई। शो के दौरान अक्षय ने बताया कि उन्हें जानकर बहुत गुस्सा आया था कि डिंपल उन्हें गे समझती थी और जेनेटिक चेक भी करवाए थे, लेकिन वो ये मानते हैं कि कुंडली के बजाय ये टेस्ट किया जाना बेहतर है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना न भूलें।